हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, क्या दो सेक्शन बना हुआ है, एक सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए और एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या है, दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है। नहीं मालूम है तो बता देते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे आप सी लैंग्वेज में अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं, एक्स्ट्रक्ट, एक्स्ट्रक्ट की वो लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमको डाटा देना होता है वो हम यहाँ पे डाटा देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर का फीचर ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर को रख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर को रख सकते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल मतलब मेंबर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने बोला क्या, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल या फिर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल को यहाँ पे रख सकते हैं, और जो भी इसका अंदर में जो भी यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको बोलेंगे मेंबर वेरिएबल या फिर मेंबर डाटा, डाटा मेंबर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल मतलब मेंबर वेरिएबल। तो सेम बात यहाँ पर भी लिखा गया, क्या है यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसमें, सी लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ वेरिएबल है, और सी प्लस प्लस में क्या है, वेरिएबल और फंक्शन। क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और फंक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यह है सी लैंग्वेज में क्या था, सी लैंग्वेज में हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं उसके अंदर में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है, हम यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसके बीच में डिफरेंस हो गया, वेरिएबल के जगह पर आप मेंबर वेरिएबल रख सकते हैं, फंक्शन के जगह पर मेंबर फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है, एज पर योर चॉइस। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अगर नाम सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हम पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा मेंबर होता है वो पब्लिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा मेंबर यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो पब्लिक होता है। पब्लिक करने का मतलब कोई भी फंक्शन कभी भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सी प्लस प्लस में मेंबर आर पब्लिक और प्राइवेट, इसमें दो चीज़ रह सकता है, सी प्लस प्लस में दो चीज़ रह सकता है, क्या, या तो पब्लिक रहेगा या तो प्राइवेट रहेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। अगर आप प्राइवेट लिखते हैं तो प्राइवेट हो जाएगा, अगर प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक रहेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या है, पब्लिक रहता है इसमें, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, इसमें प्राइवेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद क्या है, कैन नॉट हैव स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर मतलब कहने का यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा के आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टैटिक हमारा अलाउ नहीं है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में मेरा क्या है, स्टैटिक अलाउ नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पे सी प्लस प्लस में स्टैटिक मेंबर मेरा अलाउ है, आप कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट में बता सकते हैं, 5 मिनट में उसको हम बता के ख़त्म कर देंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में। ओके, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, अगर स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शन के बारे में अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो उस पर आ जाएगा एक और वीडियो। तो यहाँ पे स्टैटिक मेंबर नहीं होता है सी लैंग्वेज में, लेकिन उसमें हमें स्टैटिक मेंबर को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर जब हम आगे पढ़ेंगे सी, ये जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिए कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, सी लैंग्वेज में मेरा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है, कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर नॉट पॉसिबल। सी लैंग्वेज में क्या है, हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, क्या एग्जांपल लेके चलते हैं, हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्या इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम डिक्लेयर करते हैं क्या, इंट ए, हम यहाँ पे डिक्लेयर किए क्या, इंट ए डिक्लेयर किए। जब इंट ए यहाँ पे हम डिक्लेयर किए हैं, मिनट गाइस, ओके, हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं क्या, इंट ए, इंट ए डिक्लेयर किए। जब इंट ए डिक्लेयर किए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है सी लैंग्वेज में, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में, अगर करेंगे तो एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज में ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है, सी प्लस प्लस में हम इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, सी में नहीं कर सकते हैं, और सी प्लस प्लस में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं।
ठीक है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड इज नेसेसरी टू डिक्लियर स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल। स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स बनाने के लिए सी लैंग्वेज में हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना मस्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बनाने वाले लेते हैं, आप यहाँ पे STU स्टूडेंट नाम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, तब जब आप यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाइएगा क्या, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखिएगा STU अब S1, ये इसका क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो आपको सी लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज में आपको स्ट्रक्ट लिखना मस्ट है। स्ट्रक्ट नहीं लिखिएगा तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसको, डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल के। तो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल करने के लिए हम क्या किया है, स्ट्रक्ट का यूज़ किए हैं। लेकिन वहीं पे क्या होगा, अगर C++ में है तो हमको स्ट्रक्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। C++ में हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने का कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर के नाम से उसका वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज़ नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगला पॉइंट क्या है, डू नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर कहने का मतलब ये हुआ, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये आगे वाला कंसेप्ट में आएगा, लेकिन इतना जान लीजिए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, कोई और इसमें क्या जो मेरा क्या होता है प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी मेरा एक्सेस मॉडिफायर अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा ये सपोर्ट करता है एक्सेस मॉडिफायर को, जैसे यहाँ पे पब्लिक था और क्या था प्राइवेट था, तो ये दोनों क्या है मेरा एक्सेस मॉडिफायर होता है, तो यहाँ पे मेरा अलाउ करता है, सपोर्ट करता है एक्सेस मॉडिफायर को। तो ये वाला लाइन और ये दूसरा का लाइन आपस में रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओनली पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आर अलाउ। कोई भी स्ट्रक्चर का हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर बना सकते हैं, ये अलाउ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैन हैव बोथ पॉइंटर एंड रेफरेंस टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हम पॉइंटर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को रेफरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस बनाने का मतलब एड्रेस। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर जनरेट 0 फॉर एम्प्टी स्ट्रक्चर। एम्प्टी स्ट्रक्चर के लिए क्या करेगा, हमारा 0 रिटर्न करेगा मेरा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज क्या है, साइज ऑफ है मेरा एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, साइज को रिटर्न करता है। अगर इसके बारे में भी आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कमेंट में बता सकते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा किसके लिए, एम्प्टी स्ट्रक्चर के लिए। जब मेरा स्ट्रक्चर एम्प्टी रहेगा तो ये मेरा 0 रिटर्न करेगा। लेकिन वही C++ में क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, 1 फॉर एम्प्टी स्ट्रक्चर। एम्प्टी स्ट्रक्चर के लिए क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा मेरा C++ में स्ट्रक्चर साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डाटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल। डाटा हाइडिंग क्या होता है, तो डाटा हाइडिंग भी आगे का बला में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। डाइटिंग हाइड मतलब क्या होता है, हाइड मतलब छुपाना होता है। तो हाइड मतलब जो छुपाना होता है, तो डाटा हाइडिंग मतलब क्या हुआ, डाटा को छुपाना। तो डाटा का छुपाना यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है और क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो पब्लिक होता है तो हम उसको कैसे छुपा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वही C++ में क्या होता है, मेरा C++ में मेरा डाटा हाइडिंग पॉसिबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर रहता है तो हम चाहेंगे तो पब्लिक कर देंगे, चाहेंगे तो प्राइवेट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मेरा डाटा हाइडिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में आपको क्लियर हो ही गया होगा गाइस। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट से भी समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में क्लियर हुआ होगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।